दूसरे विश्व युद्ध के बादल मंडराने लगे थे। इधर जापान ने चीन पर हमला कर दिया था, उधर एबिसिनिया और स्पेन में युद्ध जारी था। भारतीयों की सहानुभूति प्रगतिशील शक्तियों के साथ थी, इसलिए कलकत्ते में कांग्रेस कमेटी की मीटिंग में जापानी हमले की निंदा की गई। 19 जनवरी 1938 को बारदोली के निकट हरिपुरा ग्राम में सुभाष चंद्र बोस के सभापतित्व में कांग्रेस का अधिवेशन शुरू हुआ। सुभाष चंद्र बोस कुछ ही दिन पहले जेल से छूटे थे। उन्होंने अपने भाषण में चेतावनी दी कि विश्व युद्ध का खतरा नजदीक ही है। सुभाष चंद्र बोस अब तक एक स्वतंत्र और साहसी नेता के रूप में उभर कर आ चुके थे। नवयुवकों, मजदूरों और किसानों ने हृदय से उन्हें अपना नेता मान लिया था। यही कारण था कि कांग्रेस की सदस्यता में भी 9 गुनी वृद्धि हुई। सुभाष चंद्र बोस ने भरसक प्रयत्न किया कि जिन्ना साहब से सुलह हो जाए और सारा राष्ट्र एक हो जाए। उन्होंने जिन्ना को विश्वास दिलाया कि वो मुसलमानों के हितों के प्रति उसी प्रकार सजग और सावधान है जिस तरह दूसरों के लिए। कांग्रेस हिंदुओं का नहीं, सारे देश का विचार मंच है। लेकिन जिन्ना ने अनेक झूठे दावों और आरोपों द्वारा यही सिद्ध किया कि कांग्रेस हिंदुओं की और मुस्लिम लीग मुसलमानों की संस्था है। सुभाष चंद्र बोस के लाख प्रयत्नों के बावजूद भी जिन्ना अपने इरादों से दस से मस नहीं हुए। जब सुभाष चंद्र बोस चटगांव के दौरे पर गए तो मुस्लिम लीग के समर्थकों ने उन पर पथराव किया। उन्हें मामूली चोटें आई, फिर भी उन्होंने जनता से यही अपील की कि वो धैर्य और आत्मसंयम का परिचय दें। घृणा को इसी तरह दूर किया जा सकता है, किंतु इसके उत्तर में मुस्लिम लीग ने घृणा और भेदभाव की दीवार ही खड़ी की। सन 1939 में त्रिपुरी में कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष पद के लिए सर्वसम्मति से निर्णय नहीं हो सका और सुभाष चंद्र बोस तथा पट्टाभी सीतारमैया के बीच चुनाव हुआ। पट्टाभी सीतारमैया को गांधी जी का समर्थन प्राप्त था। पट्टाभी सीतारमैया ने विद्यार्थी जीवन से ही उच्च आदर्शों का पालन किया और राष्ट्रीयता के गुणों को अपनाया। सन 1907 में बंबई के कांग्रेस अधिवेशन में उन्होंने स्वदेशी आंदोलन के बारे में भाषण दिया तो उससे कांग्रेस के सभी नेता बहुत प्रभावित हुए। फिर वो कांग्रेस के सभी अधिवेशनों में भाग लेने लगे। आंध्र प्रदेश में कांग्रेस का प्रचार करने में पट्टाभी सीतारमैया ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हिंदू मुस्लिम एकता के लिए भी वो बराबर प्रयत्न करते रहे। डॉक्टर पट्टाभी सीतारमैया कांग्रेस के सर्वप्रथम इतिहासकार माने जाते हैं। 1935 में कांग्रेस की स्वर्ण जयंती के अवसर पर कांग्रेस के इतिहास का महान ग्रंथ उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष को भेंट किया। उस ग्रंथ के प्रकाशित होने पर न केवल 10,000 प्रतियां हाथों हाथ बिक गईं, बल्कि हिंदी, उर्दू, मराठी, उड़िया, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम भाषाओं में उसका अनुवाद भी हुआ। सन 1939 की त्रिपुरी कांग्रेस में अध्यक्ष पद के चुनाव में पट्टाभी सीतारमैया को 1,376 मत मिले, जबकि सुभाष चंद्र बोस को 1,575 मत मिले। पट्टाभी हार गए और सुभाष जीत गए। इस समय हालांकि गांधी जी कांग्रेस से अलग थे, लेकिन उस पर अपना प्रभाव वो बराबर बनाए हुए थे। यही कारण था कि पट्टाभी की हार पर उन्होंने कहा था, ये पट्टाभी की नहीं, मेरी हार है। त्रिपुरी अधिवेशन में सुभाष बोस को तेज बुखार था। उन्हें स्ट्रेचर पर लाया गया था और अधिवेशन की कार्रवाई इसी तरह चलाई गई। किंतु अधिवेशन में सुभाष समर्थक और गांधी समर्थक दल खुलकर सामने आ गए। सुभाष बोस के जय के नारे लगे। इससे गांधी समर्थक दल को बड़ी निराशा हुई। गांधी जी ने पट्टाभी की हार से यहाँ तक कह दिया, कांग्रेस अब भ्रष्ट संगठन हो गया है। अब मुझे जरा भी संदेह नहीं है कि कांग्रेस के लोग उन सिद्धांतों और नीतियों को नहीं मानते हैं जिनका मैं समर्थन करता हूं।
कार्यकारिणी के 15 सदस्यों ने इस्तीफा दे दिया। सुभाष चंद्र बोस ने मतभेद दूर करने और स्थिति स्पष्ट करने के इरादे से गांधी, जवाहर, कृपलानी आदि अनेक नेताओं को पत्र लिखे, लेकिन उससे कोई लाभ नहीं हुआ। अंत में सुभाष चंद्र बोस ने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया और कांग्रेस के अंदर ही एक नया दल बना लिया, फॉरवर्ड ब्लॉक। उन्होंने स्पष्ट कहा, फॉरवर्ड ब्लॉक गांधी जी के व्यक्तित्व और अहिंसात्मक असहयोग के सिद्धांत को पूरा सम्मान देता है, किंतु इसका ये अर्थ नहीं कि मौजूदा हाईकमांड कांग्रेस जनों को तानाशाही के तरीके से संचालित करें। इस प्रकार फॉरवर्ड ब्लॉक बड़ी तेजी से काम करने लगा, किंतु कांग्रेस में एक बार फिर टकराव की स्थितियां उत्पन्न हो गईं।